सो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में फिर से। तो हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का जो चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसके पीवाईक्यूज। क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम इसके लास्ट 5 6 ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी को देख रहे हैं। तो अब तक मैं इसमें दो वीडियोज कर चुका हूँ जिनमें हमने देखा था नीट 2023, नीट 2022 और नीट 2021 में आए हुए क्वेश्चंस। तो मैं फिर से रिकॉल करवा दूं आपको कि नीट 2023 में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए थे, नीट 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे और 21 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नीट 2020 में आए हुए क्वेश्चंस को। हाँ, पहले एक बात बता दूं कि नीट 2020 में 2 बार एग्जाम हुआ था, एक बार हुआ था अक्टूबर में, एक बार हुआ था सेप्टेम्बर में, सेप्टेम्बर में और अक्टूबर में। तो ये वाला जो एग्जाम पेपर है मेरे सामने, ये है अक्टूबर वाला। तो इस वाले एग्जाम में टोटल 4 क्वेश्चन आए थे सेल साइकिल एंड सेल डिविजन से। तो चलिए करके 4 क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सामने है 63, ये रहा सेल साइकिल का क्वेश्चन। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स एविडेंट इन। तो हमसे पूछा है कि किस फेज में जो है स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। तो काफी सिंपल आंसर, मेटाफेज में होते हैं। मेटाफेज में जब क्रोमोसोम अलाइन होते हैं मेटाफेजिक प्लेट पर, तब जाके काइनेटोकोर जो है अटैच हो जाता है क्रोमोसोम से। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था ये। तो अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 72। इन अ मियोटिक साइकिल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस इज। अब इससे इजी क्या ही होगा। अब जिस स्टूडेंट ने कभी सेल साइकिल लाइफ में पढ़ा भी नहीं है, खाली बस वो पहला पेज देखा हुआ है सेल साइकिल का, वो भी शायद इस क्वेश्चन को कर लेगा थोड़ा बहुत सोच समझ के। हमें फेज बताने हैं बस, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे जीवन G2 साथ में तो हो नहीं सकता। जीवन एस फेज, G2 फेज, एम फेज। हाँ, ये राइट ऑप्शन है। जीवन फेज होता है, उसके बाद सिंथेसिस होता है, रेप्लिकेशन होता है, देन G2 फेज होता है, देन माइटोसिस होता है, एम फेज होता है मतलब। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इतना आसान क्वेश्चन आया होता है इस चैप्टर से। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, मिल गया। 2 क्वेश्चन देख चुके हैं नीट 2022 अक्टूबर वाले, सॉरी नीट 2020 अक्टूबर वाले क्वेश्चन पेपर में। अब है क्वेश्चन नंबर 120, ये भी सेल साइकिल का है। तो ड्यूरिंग मियोसिस वन इन विच स्टेज सिनेप्सिस टेक्स प्लेस। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि मियोसिस वन काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर मियोसिस वन में प्रोफेज वन, प्रोफेज वन से काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आंसर काफी को पता होगा, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं फिर से रिकॉल करवा दूं एक बार और। जो हमारा प्रोफेज वन होता है उसमें 5 सब फेजेस होते हैं, जो होते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइगेनेसिस। जो सिनेप्सिस है, सिनेप्सिस का मतलब होता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग आपस में जुड़ जाते हैं बाय द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। तो ये किस फेज में होता है, तो ये जाइगोटीन में होता है, बी। लेप्टोटीन पहला फेज होता है जिसमें हमारा कंडेंसेशन ऑफ डीएनए होता है, फिर दूसरा फेज हमारा जाइगोटीन होता है। जब डीएनए कंडेंस हो जाता है अच्छे से तो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर कर लेते हैं, ठीक है, जो जो जाइगोटीन में होता है, और बाइवेलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर तीसरा फेज होता है पकाइटिन, जिसमें होती है क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ डीएनए मटेरियल स्टार्ट हो जाता है, वो पकाइटिन में होता है। पकाइटिन के बाद होता है डिप्लोटीन, देन डाइगेनेसिस। तो मैं बोलूंगा ये जो प्रोफेज वन है, जिसका प्रोफेज वन जो है इसको अच्छे से पढ़ लेना भाई, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया, काफी ईजी था, इसका आंसर था जाइगोटीन। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन और आया हुआ था इसी चैप्टर से, टोटल 4 क्वेश्चन आए थे। जैसे नीट 2023 में 4 आए थे, इसी तरीके से 20 में भी 4 क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 130। तो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। अब मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन नीट 2022 में भी आया था, 21 में भी आया था, 23 में भी आया था, हर साल ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, यानी कि। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हमको मैच करना है। तो पहला है जीवन फेज, एस फेज। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका ये होता है कि एस फेज लिखा हुआ है, तो एस फेज में क्या होता है आपको सबको पता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम। तो इसका तो सामने ही आंसर है हमारे पास, टू, डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ हमें देखना है कि बी का 2 कहाँ पे है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको, डी ऑप्शन, जहाँ पे बी का आंसर है 2। तो ये यही सॉल्व हो गया, बाकी करने की जरूरत नहीं है, टाइम बहुत बचता है, तो मैंने यहाँ लगा दिया, वरना करना चाहो तो कर सकते हो। ए जीवन फेज, जीवन फेज में क्या होता है, सेल ग्रोथ, ए का हो जाएगा 1, सेल ग्रोथ होती है और हमारा ऑर्गेनल डुप्लीकेशन होता है। जी टू फेज में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है और प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। और मेटा फेज में क्या होता है, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था काफी, इसमें ज़्यादा टाइम लगना चाहिए था हमको। तो ये 4 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं जो नीट 2020 अक्टूबर वाले पेपर में आए हुए थे, और चारों काफी ईजी आए हुए थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि नीट 2020 में जो सेप्टेम्बर वाला पेपर हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन आए थे और उसमें क्वेश्चन का लेवल क्या था। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद फिर नीट 2019, 18 और 17, इस तरीके से हम जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है इस चैप्टर से जितने भी आए हैं सबको कवर कर लेंगे।